और सैमसंग का फ़ोन भी क्यों खरीदना चाहिए, और बाकी के फ़ोनों में क्या कमजोरी होती है उनकी डिस्प्ले में, इनकी डिस्प्ले मजबूत क्यों होती है, आज मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताना चाहूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखना आप, मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, आपके काफ़ी काम की जानकारी मिलेगी। और बिग बिलियन सेल जो चल रही है उसमें आप जो जो फ़ोन खरीद रहे हैं ना उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। वन प्लस का फ़ोन अगर आप खरीदना चाहो तो इस वीडियो में आपको इसके जनरल नॉलेज इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको मिल जाएगी। जल्दी से वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अगर काम ना करे तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए अगर आपके पास ओरिजिनल डिस्प्ले है, ओरिजिनल फ़ोन है, उसका फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा, ये वाला फिंगरप्रिंट अगर काम ना कर रहा हो ना, तो देखिए इस कंडीशन में ना आपका फोल्डर ख़राब नहीं होता। बहुत सारी दुकान वाले पता क्या बोलते हैं आपको, बोलेंगे भैया फोल्डर चेंज करवा लो, फोल्डर डलेगा। वो फोल्डर चेंज करके फ़ोन का कर देते हैं सत्यानाश। भाई जो सेंसर होता है ना ये डिस्प्ले पे नहीं होता, इस पर इसको बोलते ज़रूर हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, मगर देखो आज मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ ये होता क्या है। सबसे पहले ना इसको मैं स्विच ऑफ कर दूँ, नहीं ये फिर ऑन भी नहीं होगा। फिर ये ओके है ना, स्विच ऑफ। अब इसको बैटरी डिस्कनेक्ट कर, इसका मैं इसमें ये फोल्डर डाल रहा था तो मुझे लगा आपको कुछ नॉलेज देनी चाहिए। और इसमें मैं LCD लगा रहा हूँ, आप ये भी जान लीजिए LCD भी लग जाती है इसमें। ये वन प्लस 6T है, ठीक है, इसमें LED लग के आती है कंपनी की तरफ से, मगर हम जो डाल रहे हैं इसमें डाल रहे हैं LCD। 1000 रुपये की आती है ये, ठीक है, ये भी बढ़िया काम करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर बस फिंगरप्रिंट इस डिस्प्ले के जरिए काम नहीं करता। और आपको बताता हूँ फिंगरप्रिंट काम कैसे करता है। देखो इसके आर पार यहाँ गोलाई में कुछ नज़र आ रहा होगा ना पीछे का, देखो है ना, तो ये ओरिजिनल LED है और इसमें नज़र नहीं आएगा, ये LCD है, इसमें कुछ भी पीछे का नज़र ही नहीं आएगा, है ना। ये LCD हो गई, ये LED है, ये है तो पूरा कांच का ही, मगर इसके बैक साइड पे है ना एक सेंसर लगा होता है। भाई सेंसर बताऊँ कहाँ होता है, देखो ये होता है फ़ोन के अंदर होता है। ये डिस्प्ले मैंने मान लीजिए ऐसे हटाई, अब ये जो सेंसर लगा हुआ है ना भाई, ये कैमरा सा ये सेंसर है ना, इसके ऊपर जब हमारी उंगली आती है ना तो मोबाइल अनलॉक होता है, इसे बोलते हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, है ना। बहुत सारे बंदों को कन्फ्यूज़न रहती है कि डिस्प्ले के ऊपर होती है, और फिर दुकान वाला जैसी पट्टी पड़ाता है ना कि भैया डिस्प्ले चेंज होगी इसकी, तो वो बंदे डिस्प्ले चेंज करा देते हैं 3-4 हज़ार रुपये में, और खामे का वो बंदा करता क्या है। देखिए आपका अगर सेंसर काम ना करें तो ये सेंसर का पत्ता है, ये सेंसर का पत्ता है, ठीक है, ये सेंसर का पत्ता क्या होता है, डस्टी हो जाता है, या फिर इसमें कार्बन आ जाता है, या फिर इसमें लिक्विड या पानी कुछ भी जा सकता है, की वजह से ना ये पत्ता यहाँ से इसके अंदर शॉर्टिंग हो जाती है इस कनेक्टर के अंदर। तो इस पर थोड़ा सा पेट्रोल से आप अगर साफ कर देंगे ना, अगर आपका फिंगरप्रिंट काम ना कर रहा हो ना, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काम ना करो, तो उस पर ब्रश लेके ना ऐसे साफ कर दीजिए, बस इस पत्ते को भी साफ कर दीजिए। ये बस एक कनेक्टर होता है, मेल फीमेल कनेक्टर है ना, इसको फिर दोबारा आप कनेक्ट कर दीजिए, ऐसे आपका ये सेंसर फिर से काम करने लगेगा। इसमें इतनी रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, ये बाहर से हो जाता है भाई, डिस्प्ले खोलने की जरूरत नहीं पड़ती उस कंडीशन में। बहुत सारे दुकान वाले ना डिस्प्ले खोल के कहते हैं भाई इसकी तो फोल्डर ही गया, इसका LED डलेगी इसमें, और आप घबरा जाते हो ना, और फिर आप घबरा के 3-4 हज़ार रुपये दे देते हो, तो भाई ऐसा ना करें। ये छोटी छोटी नॉलेज है ना आपको होनी चाहिए, मैं मानता हूँ कि आपको पूरी टेक के बारे में जो नॉलेज है ना, मैं खोल खोल के बताऊं आपको कि आपको कोई बंदा पागल ना बना पाए। इसके आगे जब उंगली आती है ना, अब इसमें आपने छेद तो देख, छेद नहीं है मतलब एक आर पार देखने वाला ग्लास है ट्रांसपेरेंट, कि आर पार जब ये सेंसर आता है ना ऐसे, हमारा फ़ोन जो है अनलॉक हो जाता है, ठीक है। अब ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और वन प्लस के बारे में चलिए मैं बता देता हूँ, अभी बिग बिलियन सेल चल रही है भाई। वन प्लस के फ़ोन जो भाई लेना चाहते हैं ना, तो शक में ना रहें, ले सकते हो LED वाले फ़ोन, 20-25-30 जितने का लेना चाहो ले लो। वन प्लस के थोड़े से है ना मजबूत फ़ोन होते हैं, इनकी जो डिस्प्ले टूटती है ना भाई बहुत मुश्किल ही टूटती है भाई, इतनी आसानी से नहीं टूटती जितनी और फ़ोनों की डिस्प्ले टूट जाती है आसानी से। इसकी डिस्प्ले बहुत मजबूत होती है और इसकी जो बनावट होती है ना भाई, वो बड़ी ख़तरनाक लगती है मेरे को, इसकी और एक सैमसंग की, दोनों फ़ोनों की मैं तारीफ़ करूँगा भाई, ये दोनों तारीफ़ के लायक है, क्योंकि हम रिपेयर करते हैं भाई, हमें पता है इस चीज़ का। देखिए ये जो पीछे का बैक है ना, देखिए ये इन्होंने देखो क्या दे रखा है, देखिए ये होता है इनमें वन प्लस की डिस्प्ले के पीछे ये फोम लगा होता है, एक फोम नुमा एक चीज़ लगी हुई है इसमें, जो कि अगर फ़ोन गिरता है ना तो स्पंच हो जाता है, ये स्पंचिंग इसकी इसी पे लगी रहती है, डिस्प्ले पे ही, फ्रेम पे नहीं लगी रहती। आपने ओप्पो वीवो वगैरह जो फ़ोन देखे होंगे ना, मैं दिखाऊँ आपको, ये है हमारे पास ओप्पो A54 है, ठीक है, साइड में कैमरा होता है इसके, तो इसमें है ना ये स्पंचिंग के लिए ये देते हैं, क्योंकि ये है हल्के वाले फ़ोन, मतलब कहने का मतलब सस्ते वाले फ़ोन है, इसमें स्पंचिंग के लिए 2-4 स्टिकर लगा देते हैं, एक ये लगा दिया एक ये लगा दिया। इनमें क्या होता है, इनमें जल्दी डिस्प्ले टूटेगी आपकी, अगर ये भी यही काम करने लगे ना तो फिर ये फ़ोन ना बिके भाई साहब, फोन चलेंगे सालों साल और फिर डिस्प्ले टूटेगी ही नहीं। मगर वन प्लस के जितने फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं, महंगे फ़ोन होते हैं ना, इनमें भाई साहब फिर ये अच्छा काम करके देते हैं। इसमें देखिए फोम लगी हुई है,
पीछे, और ये कंपनी से लग के आई है। मेरे ख्याल है इसके बारे में आप समझ गए ना, इस पंचिंग स्टिकर के बारे में। कभी भी आप किसी दुकान पे अपनी डिस्प्ले डलवाओ ना, उसको बोल देना भाई इस पंचिंग स्टिकर मत हटा दियो, अगर ये हट गए ना तो भाई फिर डिस्प्ले आपकी 15-20 दिन में टूटेगी, चाहे जेब में रख रखा हो आपने। एक चाबी रख लेना, जब भी चटक जाएगा। और ये जो LED होती है ना इसमें, वन प्लस में, ये बड़ा अच्छा लगता है इनका, बहुत मजबूत चीज़ होती है, एकदम गद्दा गद्दा सा लगा रखा है इन्होंने कि गिरे तो स्पंज होके डिस्प्ले ना टूटे, जोर ना पड़े। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की है इन्होंने वन प्लस में और सैमसंग में, दोनों में सेम ही होता है। मैंने सैमसंग की भी LED आपको कभी दिखाई होगी। LCD होती है ना, LCD में ये चीज़ें नहीं आती हैं, है ना। इसमें देखो, इसमें पूरा वो ही दे रखा है, सीधा प्लास्टिक। आई होप कि आपको थोड़ी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।